बेयर ग्रिल्स और उनकी टीम को जानलेवा हालात में पर्याप्त मदद दी जाती है। दर्शकों से अनुरोध है कि बेयर द्वारा किए गए स्टंट्स को दोहराने की कोशिश न करें। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। इस बार मैं बोर्नियो के घने जंगलों में आया हूं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बीहड़ों में से एक है। मुझे पैर टिकाने में परेशानी हो रही है। यहाँ तो हर जगह खतरे ही खतरे छिपे हैं। अरे बच गया। ये जगह बेहद खतरनाक है। पानी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ तो मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है। इसे पार करना आसान नहीं है। यहाँ एक कदम आगे बढ़ाओ तो दो कदम पीछे आ जाते हैं। Man vs. Wild with Bear Grylls. बोर्नियो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टापू है। करीब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये टापू लगभग टेक्सस जितना बड़ा है। खतरनाक पहाड़ों और बेहद घने जंगल से ढकी इस जगह पर कमाल के जानवर और पेड़ पौधे हैं। दुनिया के पेड़ पौधों और जानवरों की कुल प्रजातियों में से आधी इन जंगलों में मिल जाती हैं। यहाँ हजारों ऐसे जीव और पेड़ पौधे हैं जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है मेरे सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियाँ होंगी। इतने घने जंगल में जब इतने जीव रहते हों तब रोमांच के शौकीन लोग ही यहाँ आएंगे। पर गलती मत करना, जो चीजें इस जगह की खासियत हैं वही एक चूक होने पर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। कुछ साल पहले एक जर्मन हाइकर बोर्नियो के इन्हीं जंगलों में भटक गया था, तो उसकी लाश ढूंढने में कई महीने लग गए। भूख से उसकी मौत हुई थी। मैं आपको सिर्फ इस जगह पर बचना ही नहीं, यहाँ से जिंदा बच निकलने का तरीका बताऊंगा। मैं अब जंगल के सबसे घने हिस्से की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, इसीलिए मैं रस्सी के सहारे पेड़ों के ऊपर उतरने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि पेड़ों से जमीन तक कैसे पहुंचा जाता है। हमें उस तरफ जाना है। हेलीकॉप्टर को वापस घुमा लो। ओके बे, हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं। जब कहीं पर हेलीकॉप्टर के उतरने लायक जगह ना हो तब सेना के जवान रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं, पर यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए पायलट को बिल्कुल सही जगह पर पहुंचना पड़ता है। वैसे तो मैं इस तरह से उतरने से पहले रस्सी को नीचे छोड़ देता हूँ फिर उससे उतरता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकता। अगर रस्सी कहीं फंस गई तो मेरा हेलीकॉप्टर भी नीचे आ जाएगा, इसीलिए मैं रस्सी को मेरे कूल्हे से बंधे एक बैग में रखकर उससे झूलते हुए पेड़ों तक पहुंचूंगा। मैं पेड़ों तक तो पहुंच गया, लेकिन अब भी जमीन से करीब 100 फुट ऊपर हूं। हेलीकॉप्टर तो चला गया है। ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंचा है। अब आप भी समझ सकते हैं कि कोई पायलट ऐसे जंगलों के ऊपर उड़ान भरता है तब उसे अलग से रस्सियां दी जाती हैं, ताकि किसी इमरजेंसी में अगर उसे नीचे उतरना पड़े तो वो रस्सियों के सहारे आराम से उतर सके। लेकिन मुझे यहाँ नेचर को ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पेड़ से नीचे जाती कोई टहनी नहीं है और इसका तना इतना मोटा है कि मैं उसे ठीक से पकड़ नहीं सकता, लेकिन अगर पास के उस पेड़ की वो बेल पकड़ लूं तो नीचे उतरने की कोशिश कर सकता हूँ। कुछ छोटी बेलें इन दोनों पेड़ों को जोड़ रही हैं और मैं उनके सहारे उस पेड़ तक जा सकता हूँ। ये बेलें बहुत खतरनाक लग रही हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत हैं और मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे इनकी मदद से उस लंबी बेल तक पहुँचना है। छोटी छोटी बेलों पर अपने शरीर का वजन बांटने पर उनके टूटने का खतरा कम हो जाएगा। ये काफी मजबूत हैं। इतनी ऊंचाई से गिरना भी जानलेवा हो सकता है। ओके, इस टहनी तक तो आ गया। ये वाली बाकी की टहनियों से मजबूत लग रही है। बढ़िया,
ये देखिए, ये बेल काफी मोटी है, इसी को पकड़ता हूँ। ये बेल रस्सी कम फायर ब्रिगेड के खंबे जैसी ज्यादा लग रही है। इस पर पकड़ बनाने के लिए मुझे काई साफ करनी होगी। ये मेरा वजन संभाल रही है, इसीलिए मैं आसानी से उतर सकता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि अगर बारिश हो रही होती तो मैं ऐसे नहीं उतर पाता, फिसलन काफी बढ़ जाती। मैं इसे अच्छी तरह से पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथों पर काफी काफी जोर पड़ रहा है। अब जमीन के करीब पहुंच चुका हूँ, इसीलिए हाथों के थकने से पहले तेजी से नीचे उतर सकता हूँ। काफी ऊंचा था ये, उतरना आसान नहीं था।